चैनल आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें कि मध्यकालीन भारत मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकाल से संबंधित। तो मध्यकाल में क्या है? पहला है दिल्ली सल्तनत के विघटन के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जैसे मालवा सल्तनत, ग्वालियर राज्य और खानदेश आदि। मालवा सल्तनत की स्थापना दिलावर खां गोरी ने 1392 ईस्वी में की। दिलावर खां का उत्तराधिकारी अल्प खां था, जिसने होशंग साय की उपाधि धारण की। उसने धार के स्थान पर मांडू की को अपनी नई राजधानी बनाया। अब वह होशंगाबाद नगर का संस्थापक भी था। मांडू को सादियाबाद भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय। 1555 ईस्वी में मालवा का शासक बाज बहादुर बना। रूपमती के साथ उसकी प्रेम कथाएं चर्चित हैं। नेक्स्ट है, 1561 में बाज बहादुर को हराकर अकबर ने मालवा पर अधिकार कर लिया और इसे मुगल साम्राज्य का एक सूबा बना दिया। खानदेश राज्य ताप्ती नदी की घाटी में स्थित था। वह राज्य दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था। खानदेश के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मलिक राजा फारूकी था। उसके वंश को फारूकी वंश कहा जाता था। इस वंश का अंतिम शासक आदिल खान तृतीय था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ग्वालियर में तोमर वंश ने 1486 से 1526 तक शासन किया। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक मानसिंह तोमर था। ऐसा माना जाता है कि तोमर लोग पांडवों के वंशज थे। इस वंश का आरंभ राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से माना जाता है। मानसिंह तोमर के पिता का नाम कल्याणमल तोमर था। मानसिंह को एक महान स्थापत्यकार, संगीतज्ञ व प्रेमी माना जाता है। उसने ग्वालियर के पहाड़ी किले में अनेक इमारतों का तथा ग्वालियर के नगर के प्रसिद्ध मोती झील का निर्माण कराया। उसकी गुजरी रानी मृगनयनी इतिहास प्रसिद्ध है। मानसिंह ने संगीत के ध्रुपद घराने को संरक्षण दिया था। मानसिंह ने अपनी गुजरी रानी मृगनयनी के किले गुजरी महल का निर्माण कराया। आज इस महल में पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। ध्रुपद शब्द संस्कृत के दो शब्दों ध्रुव व पद को मिलाकर बना है। तोमर वंश का अंतिम शासक विक्रमादित्य तोमर था। वह 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया। मोहम्मद गौस ग्वालियर से संबंधित एक सूफी संत थे। बाबर उनका आदर करता था और हुमायूं व अकबर उनके शिष्य थे। अकबर के काल में निर्मित उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। गोंड राज्य नर्मदा नदी की घाटी में स्थित था। अकबर के काल में जब अधिकांश मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया, तब गोंडवाना व महाकौशल के गोंड राज्य अपनी आंतरिक स्वायत्त बनाए हुए थे। गढ़ा कि गोंड रानी दुर्गावती 1524 से 64 1564 पर मुगल सेनापति आसफ खान ने 1564 में आक्रमण किया। युद्ध में घायल होने पर रानी ने अपना कटार घोंप कर आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट है, बुंदेला राजपूतों की राजधानी ओरछा थी। यह नगर आज टीकमगढ़ जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओरछा के पहले बुंदेलों की राजधानी गढ़कुंडार थी, लेकिन 1531 में राजा रुद्र प्रताप ने राजधानी के को ओरछा स्थानांतरित किया। बाद में 1738 में बुंदेलों ने अपनी राजधानी ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित कर दी। वीर सिंह देव बुंदेला ने अकबर के प्रसिद्ध जहांगीर शहजादे सलीम के साथ दिया था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने 1606 में ओरछा का भ्रमण किया। बुंदेला नरेश छत्रसाल 1649 से 1731 को बुंदेलखंड केसरी कहा जाता है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी व गुरु गोविंद सिंह के साथ मिलकर औरंगजेब के विरुद्ध एक त्रिदल बनाया था। नेक्स्ट है, भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना के एक अफगान सेनापति दोस्त मोहम्मद खान द्वारा 1724 में की गई थी। यद्यपि उसने कभी भी अपने को मुगलों से स्वतंत्र घोषित नहीं किया, किंतु उसके उत्तराधिकारियों ने स्वयं को मुगल से स्वतंत्र घोषित करके नवाब
ही उपाधि धारण की। नेक्स्ट है भोपाल की बेग में, पहला है कुदसिया बेगम जो कि गोहर बेगम के नाम से जानी जाती हैं, 1819 से 1837 के बीच में उन्होंने राज्य किया। ये भोपाल की पहली महिला शासिका थी। इन्होंने जामा मस्जिद व गोहर महल जैसी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया था। फिर सिकंदर जहां बेगम, 1844 से 1868 के बीच में राज्य किया। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इन्होंने मोती मस्जिद व मोती महल जैसे प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया। शाहजहाँ बेगम जो कि 1868 से 1901 के बीच में राज्य किया, इन्होंने शाहजहाँनाबाद नामक एक नवीन उपनगर का निर्माण कराया। कई खुसरो जहाँ बेगम ये 1901 से 1926 के बीच में रहीं। इनका मध्य का महल सदर मंजिल के नाम से जाना जाता था जो इस समय भोपाल नगर निगम का कार्यालय है। इन्होंने एक नया महल नूर उस सभा भी बनवाया जो आज एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर भी थी। फिर बेगम साजिदा सुल्तान जो कि 1961 से 1995 तक रहीं। ये कई खुसरो जहां बेगम के बाद उनके पुत्र हमीदुल्ला खान भोपाल के नवाब बने। जब देश आज़ाद हुआ तो भोपाल रियासत ने अत्यंत अपनेपन से 1 मई 1949 को जाकर विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। हमीदुल्ला खान की सबसे बड़ी पुत्री बेगम आबिदा सुल्तान चूँकि पाकिस्तान में जाकर बस गई, इसलिए उनकी छोटी बहन बेगम साजिदा सुल्तान भोपाल की नई नवाब बनी। बेगम साजिदा की शादी पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खां से हुई, इसलिए नवाब पटौदी भी भोपाल के नवाब कहलाने लगे।